इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन को इंग्लैंड टीम की बड़ी फिक्र हो रही है। दरअसल केविन स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ इंग्लिश टीम की बल्लेबाजी को लेकर फिक्रमंद हैं। केविन ने कप्तान एलिस्टर कुक को कहा है कि वो रविचंद्रन अश्विन के खतरे से बचकर रहें। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज को 9 नवंबर से राजकोट से शुरू किया जा रहा है। भारत ने अपनी टीम में 3 स्पिनर्स अश्विन, अमित मिश्रा और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को शामिल किया। आपको बता दें कि पिछली बार इंग्लैंड टीम 2012 में भारत दौरे पर आई थी, तब अश्विन को 4 टेस्ट मैचों में सिर्फ 14 विकेट ही मिले थे, लेकिन उसके बाद से अश्विन के खेल में बहुत सुधार हुआ है। घरेलू जमीन पर तो अश्विन शानदार फॉर्म में है। भारत में खेले 22 टेस्ट मैचों में अश्विन 153 विकेट ले चुके हैं। 2011 के बाद से घरेलू जमीन पर भारत की हर जीत में अश्विन की छाप नजर आती है। भारत ने हाल ही में न्यूजीलैंड को 3-0 से हराया। इस सीरीज में भी अश्विन ने शानदार प्रदर्शन किया है। पीटरसन ने एक इंटरव्यू में अश्विन की तारीफ करते हुए कहा, अश्विन एक शानदार गेंदबाज हैं। उनके पास काफी विविधता है। वो हमेशा आक्रामक रहते हैं और बल्लेबाजों को छकाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि पिछले एक दशक में इंग्लैंड इकलौती टीम है जिसने भारत को भारत में हराया है। 2012 में उन्होंने भारत के खिलाफ 2-1 से सीरीज जीती थी। उस सीरीज में पीटरसन ने 338 रन बनाए थे।